नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 31 अक्टूबर को भारत में नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2014 से इस दिवस की शुरुआत हुई। ये दिवस भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष पर मनाया जाता है। आज सरदार पटेल की 146वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के बाद पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। साल 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार ये दिन हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविकता और संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत और लचीलापन की फिर से पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। भारत एक विविध राष्ट्र है, इसलिए एकता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने भारत के लौह पुरुष की स्मृति में गुजरात में नर्मदा नदी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के पास भारत के लौह पुरुष की एक विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के संघर्षों और बलिदानों को याद रखते हुए भारत सरकार ने उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की थी। इस दिन लोग सरदार पटेल के महान कार्यों को याद करते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देश के कई हिस्सों में कई कार्यक्रम, वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।